जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का एक प्यारा सा पेपर। कक्षा 10 का एक प्यारा सा पेपर विज्ञान 2023 का ये पेपर है, ठीक है। इसमें हम कवर करने वाले हैं 824 ईयू की जो जर्नी स्टार्ट की गई थी, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारा पोर्शन क्या होगा डिटेल में देख चुका है, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, ये विज्ञान वाले पोर्शन में यानी जीव विज्ञान के पोर्शन में खंड जो ग है इसका एक क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या पर्यावरण को बचाने के लिए पांच प्रकार के आर का तुम्हें वर्णन करना, क्या पर्यावरण को बचाने के लिए तुम्हें पांच प्रकार के, ठीक है, जो आर होता है उसे क्या करना तुम्हें डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। पर्यावरण आपके चैप्टर में है, प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं ठीक है, लास्ट तुम्हारे पास हो मानव संसाधन वो तुम्हारे से कटा हुआ है, ठीक है, मगर ये तुम्हारे पास पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है, 2022 में तुमसे पूछा था ट्रिपल आर मतलब तीन आर के बारे में पूछा है, मगर अब की बार तुम्हारे पास ये 2023 में पूछा था पांच आर तुम्हें डिफाइन करना पूरा डिटेल में। ये कितने नंबर का है टोटल, और टोटल चार नंबर का। इसे आप यहां कर लेंगे, ठीक, तो हिंदी वाले में यदि प्रदूषण पे आएगा, ठीक है, प्रदूषण पे आएगा निबंध, तो वहां पर भी इसे आप लिख सकते हैं एकदम बढ़िया से। तो इसी क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं बढ़िया से देखने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन और बचा, ये सेट आपका पूरा हमने कंप्लीट कर लिया डिटेल में, ठीक। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं एकदम बढ़िया से। तो सबसे पहले सामने आपकी ये हो गया, हमसे पांच आर पूछा था, देखिए एक आर दो आर तीन चार पांच। तो सबसे पहले इनका हम फुल नेम मतलब क्या कर देते हैं, ठीक है, सबसे पहले इनके हम फुल फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो एक आर से क्या होता है रिड्यूज, रिड्यूज मतलब क्या होता है कम करना। अब क्या चीज कम कर सकते हैं, जो आप प्लास्टिक वाली चीजें यूज कर रहे हैं उसे कम करिएगा, जो भी हमारे इन्वायरमेंट को खराब करने वाली चीजें हैं उन्हें यूज करना कम करेंगे, ठीक। तो रिड्यूज वाला आप क्या करेंगे कम करेंगे। दूसरा रीयूज मतलब पुनः उपयोग कर सकते हैं कोई चीज, इसके बारे में बताना। लास्ट में जो तीसरा तुम्हारे पास है रिसाइकल, जिसका मतलब क्या होता है दोहराना, कोई चीज आप ले लिए, ठीक है, तो उसे बार बार प्रयोग करते 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 फेंकिए ना, प्रयोग करिए। जैसे आप डिब्बा खरीदते हैं प्लास्टिक का, तो उसमें पानी प्रॉपर कम से कम एक दो महीना पीते हैं, ठीक है, ये होगा। लड़कों में तो होता है एक बाटल ले जाएंगे तो पूरा क्लास पी जाएगा, मगर लड़कियां क्या होती हैं स्पेशल अपना बाटल लेके जाती हैं, ठीक। रिसाइकल, फिर रिकवरी मतलब वापस पाना, मतलब एक बार कोई चीज तुम वापस कर दिए हो, ठीक है, मतलब जैसे तुम खरीदे खरीद के क्या कर दिए तुम, जब यूज कर लिए यूज से जो खराब चीजें होता कबाड़ी वाले को दे दिए, कबाड़ी वाला कंपनी को दे देगा, कंपनी वो रिसाइकल करके दोबारा वापस करके आपको ला कर दे देगा, मतलब ऐसे फ्री नहीं पैसा लेगा, ठीक है। अब क्या होगा रिफ्यूज मतलब अस्वीकार करना, जो ऐसी चीजें हैं जिसे ज्यादा आपकी जरूरत नहीं तो उसे खरीदबे नहीं करिए। तो ये सारी चीजें हमने इसे डिटेल में बताना पड़ेगा। देखिए छह नंबर का है, नहीं चार नंबर का है, तो कम से कम तुम्हें इनके बारे में हेडिंग डाल के थोड़ा 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 क्या कर देगा हमें लिखना पड़ेगा, मिर्च मसाला लगा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में लिखेंगे तभी आप नंबर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया, तो सबसे पहला हमने हेडिंग डाल दिया रिड्यूज मतलब कम उपयोग करना, क्या कर देना कम उपयोग करना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप पॉइंट में लिखिएगा, दो दो तीन तीन लाइन लिख के छोड़ दीजिएगा तभी कोई टेंशन नहीं, मगर आप ध्यान से ये चीज सुनिएगा। सबसे पहले हमें कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जैसे जैसे प्लास्टिक वाली चीजें हैं उसे कम से कम यूज करना चाहिए। अब बताओ जैसे आप घर में से निकले, ठीक है, घर से निकले मतलब रूम से निकले, तो आपको स्विच जितनी भी लाइट है ऑफ कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जितनी भी लाइटें जलेंगी तो उससे बताओ कहीं ना कहीं बिजली उत्पादन हो रही है, तो हम यदि बचाएंगे तो कोई दूसरा पर्सन आराम से बिजली पा सकता है। अभी बहुत सारे ऐसे गाँव शहर होंगे जहाँ बिजली ही नहीं मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो लिखा हमें कम से कम वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा नंबर, हम बिजली के पंखे एवं बल्ब को स्विच ऑफ करके बिजली बचा सकते हैं, ठीक, मतलब स्विच ऑफ मतलब उसमें बैठे हैं तो गर्मी मरना नहीं है भाई, ठीक है। ये मतलब जैसे सोते समय कितने लोग लाइट जलाते हैं, तो उसे लाइट को ऑफ कर दीजिए, सोएंगे, ठीक है, आपकी स्लीप भी बढ़िया आएगी, ठीक है, जिससे लाइट भी थोड़ी सी बचेगी, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या होगा, टपकने वाले नल की मरम्मत करके जल की बचत करा सकते हैं। देखिए अब देखिए कम उपयोग हुआ कि नहीं, जो बहुत सारे नल ऐसे हैं जो क्या करें पानी टपक रहे हैं, टोटी सही से नहीं है, ठीक है, नगर पालिका रोड के किनारे देखे होंगे ऐसे बहुत सारे पाइप होंगे जो क्या होगा फटे ओटे होंगे, ठीक, अब कोई मरम्मत नहीं कराने वाला, और नाली में पानी मतलब ये रोड है, ये रोड है, रोड के साइड में यहाँ लगा और यहाँ पर ये पाइप लगा हुआ है, ठीक है, पाइप खराब हो जाएगा तो इतना नहीं 20 रुपया 30 रुपया दे के उसे बना नहीं देंगे, ठीक सर। अब हम सब लोग भी नहीं बनवाते भाई, ठीक है, जो रोड के किनारे जिसका घर वही नहीं बनवाता है, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं, यहाँ से ऐसे नारी बना देंगे, मतलब जितना पानी दिन भर, अब सुबह यूँ चलेगा समूह चलेगा धारा बहेगी, अब पानी हरा हरा नारी में जाएगा,
उसे कोई देखने ही वाला नहीं है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सरकारी कामकाज है ना, तो लोग क्या कर देते हैं, उसे बहने देते हैं, चलो बह जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो उसे मरम्मत यदि कर देंगे, इसमें हम जल की पानी यानी पल पानी बचा सकते हैं। हम सब लोग रूम पे रहते हैं भाई, ठीक है, एक टाइम पानी नहीं लेने जाए ना तो पूरा दिन वैसे बिना पानी के रहना पड़ता है, ठीक है। नहाते समय, कपड़े धोते समय ब्रश और तुम्हारे पास ब्रूश करते समय पानी का व्यर्थ न करें। एक लोटा पानी लीजिए, उसी में आप ब्रश व्रश करके खत्म करिए, मुंह सब धो लीजिए, ठीक है। यदि नहाना रहेगा, यदि देखिए नहाना जा रहे हैं तो ठीक, तो वहीं पर ब्रश करिए तुरंत, ठीक है, वहीं ब्रश कर दिए, वहीं पर तुरंत नहा लीजिए, आपका ब्रश भी हो जाएगा, नहाने वाला सब काम हो जाएगा, ठीक। यानी खाने को व्यर्थ न करें, ये वाला देखिए ये पॉइंट बहुत है, ठीक है, इसे कम उपयोग करना, यानी खाने को भी तुम्हें व्यर्थ नहीं करना, ठीक है। देखिए कितने लोग बर्थडे पार्टी मनाते हैं तो ऐसे ऐसे इतना बड़ा बड़ा केक लाएंगे और मुंह में पोतेंगे, दूसरे के ऊपर फेंकेंगे, ठीक। अरे भाई एक ही लाओ, सब लोग प्यार से खा लो, जो पैसा बचा किसी गरीब को दे दो। अब सर जी कहेंगे बहुत बुद्धि देने वाले हैं, ठीक है, बुद्धि नहीं। देखिए एक अच्छे शिक्षक क्या कर देते हैं, ठीक है, यदि अच्छे शिक्षक, हम सब लोग ऑफलाइन क्लासेस वगैरह पर चलाते हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस एकदम से मरम्मत बढ़िया चलाते हैं। देखिए ये सामने, आपके सामने ये कोचिंग का नाम है, ठीक है। तो देखिए हम सब लोग चलाते हैं कोचिंग वगैरह, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं ठंडी में, ठीक, उन्हें स्वेटर नहीं रहती भाई, ठीक है, और कैसे ऐसे लड़के रहते हैं उन्हें पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहता, तो फ्री आप कोर्स उन्हें क्या कर दिया, चलो भाई अभी पैसा नहीं है तो कभी होगा, तुम देना नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो वो सब क्या कर देते हैं, यदि बताओ ये सब करना चाहिए, अब खाने को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ठीक है, खाने को व्यर्थ मत करिए, जितना टिफिन में है घर से लेके जाते उतना खा लिया करो भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या कर देते हैं, तुम कम करोगे जिससे हम क्या हो जाएगा, यानी हम क्या कर सकते हैं, एक रिसाइकल पर्यावरण को ये बचा सकते हैं। अब बताओ खाना कम खाएंगे तो हमारा राशन बचा रहेगा, किसी दूसरे जो गरीब फैमिली है, अब भुखमरी से देखो कितने लोग अपने इंडिया में मर जाते हैं, तुम सर्च करना एक बार मोबाइल पे ही, ठीक है, ये होगा। फिर तुमसे कह रखा है रीयूज, मतलब पुनः उपयोग करना, प्लास्टिक वाली वस्तुओं का पुनः उपयोग करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, प्लास्टिक वाली वस्तु को प्रयोग करके हम जैसे प्रयोग करेंगे इसे हम पुनः बचा सकते हैं। एक प्लास्टिक का बाटल खरीदिए ऐसे, ठीक है। अब तुम्हारे पास ऐसे पैसा है तो कितने लोग रहते हैं, जब जितना जितनी बार दुकान पर जाते हैं 20-20 रुपये का बाटल खरीदते हैं, बात पीते हैं, पानी फेंक देते हैं। अरे तुम 20-30 रुपये का एक बाटल खरीदो कहीं साइड से, यानी बहुत सारे रोड के साइड में वो लगा होता, टोटी लगा होता नगर पालिका का, तो वहां से पानी भर लो, यूज करो, फिर अगले चौराहे गए तो वहां उतर के भर लो, ठीक है। तो हमारा पास क्या, प्लास्टिक को बचा सकते हैं, पुनः प्रयोग करके ये कर सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे आदि का रसोई घर में पुनः प्रयोग कर देना, क्या कर देना, रसोई घर में पुनः प्रयोग कर देना, ठीक। मतलब जैसे आप कोई चीज लेके आते हैं तो डिब्बा प्लास्टिक का होता तो रसोई घर में रख दिया, किसी में चीनी रख दिया जाएगा, हमारी जो इंडियन मदर होती हैं गाँव वाली की, ठीक है, गाँव में देखेंगे तो क्या कर देते हैं, नमक का रहेगा, जैसे हॉर्लिक्स खाएं उसी में क्या कर देंगे, वो नमक रख देंगे, चीनी रख देंगे, दाल रख देंगे, एक यूज हो जाएगा। मगर शहर में क्या होता, स्पेशल बाटल खरीदा जाएगा सबके लिए, है कि नहीं, ठीक है, तो क्या किया जाए, ठीक है। अब देखो छोटे तुम सिंपल सा एक एग्जांपल समझ लोगे, ठीक है। देखिए गांव में क्या होता है, एक ऐसे तुम अमूल दूध ले लो, ठीक है, जो बच्चे पीते हैं, ऐसे अमूल दूध हो गया, इसमें सबसे जितना जो दूध रहेगा, ठीक, पाउडर के फॉर्म में वो बच्चा पी लेगा। अब दूसरा स्टेप क्या हो गया, ये जब खराब हो गया, ठीक है, तो इसे क्या कर दिया जाएगा, इसमें जब निकाल देते इसमें चीनी वगैरह रखा जाएगा, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, तो दूसरे स्टेप में क्या कर दिया जाएगा इसे, ठीक है, इसे तुम्हारे पास जब गंदा हो जाएगा, ढक्कन उक्कन खराब हो जाएगा, तो इसे क्या कर दिया जाएगा, ऐसे यहाँ पर टंगना लगा दिया जाएगा, सुबहिया लोटा इसमें क्या कर दिया, पानी भर के सुबह नहरीब जाएंगे, ठीक है, नहरीब जाएंगे, तब तक यूज करेंगे जब तक कि पीनी उनी जम से खिया नहीं जाएगी, जब पीनी खिया जाएगी तब वो नहीं फेंकेंगे, तो उसे क्या कर देंगे, ऐसे यहां पर रखे रहेंगे, ठीक है। फिर अगले दिन लट्ठा वाला आएगा तो उसे क्या कर देंगे, बदल के लट्ठा लेंगे। ये रिसाइकल है गांवों का, ठीक है, अब तुम सोच लो एक, ठीक है, और ये क्या होता है, बहुत बढ़िया रिसाइकल है ये, ठीक है। गांव में मैच वोच होता है ना, ठीक है, तो मैच वोच हुआ करता था तो हम लोग बाटल वोटल में एक थर्मस का आटा जो बहुत देर तक पानी ठंडा रहता तो क्या कर देते थे, वो वाला कौन खरीदेगा जी, ऐसे पेप्सी दो लीटर वाला बाटल है, इसी के बगल में हम चट्टा वट्टा लपेट देते हैं, चट्टा लपेट दिए, अब पानी भर दिए, बहुत देर तक ठंडा रहेगा, ठीक, ये सब देसी स्टाइल है। तो ये चीज क्या कर देना, पुनः उपयोग करना, ये सब किए होंगे, कितने लोग ऐसे है कमेंट करके भाइयों दिखाइए, ठीक है, कमेंट करके बताओ जरा। तो लिखा, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कपड़े, जूते, चप्पल, खिलौने, पुस्तकें, ठीक है, ETC, जिन्हें आप पुनः प्रयोग हेतु जब यानी जरूरतमंद लोगों को दे दीजिए। अभी देखिए इस समय देखिए बहुत सारे ऐसे ठंडी में आदमी होंगे, लड़के होंगे गरीब के, जो क्या वो स्वेटर नहीं जूता, तो आपका यदि खराब हो गया स्वेटर या तुम्हारे पास थोड़ा पुराना हो गया, तुम नया खरीदे तो किसी गरीब को पर्सन, जरूरतमंद को आदमी के दे दो, खिलौना किसी पर्सन को दे दो, पुस्तकें जो आप
रद्दी को बेच देते हैं कितना, 10-20 रुपया किलो देता है किसी को, दे देंगे वो पढ़ेगा, नॉलेज वाली चीज उसे इंक्रीज होगी। ठीक, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा दे रखा है रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण करना। पुनर्चक्रण मतलब देखिए क्या लिखा, अनेक व्यर्थ पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच, कागज, धातु की वस्तुएं, ऐसे ही अनेक पदार्थों को पुनर्चक्रण करके कई वस्तुएं बनाई जा सकती। चक्रण अब कैसे करेंगे, इन्हें पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कबाड़ी वाले को दे देंगे। कबाड़ी वाला क्या कर देगा, छोटी जगह बेच देगा, छोटी वाले जगह वो कंपनी में ट्रांसफर कर देगा, कंपनी में ट्रांसफर करके उसे गला के जैसी चीज चाहिए वैसा वो बना देगा, फिर वो रिसाइकल हो गई कि नहीं, तो वो चीज आपको करना है। आजकल कूड़े बीनने वाले लोग इस काम को हमारी सहायता कर रहे हैं। देखिए कूड़े बीनने वाले जितना भी आपकी आप घर को के बगल में कूड़ा उड़ा फेंकते हैं तो उसमें से आते हैं देखिए खोज खोज के प्लास्टिक वाली चीजें, मेटल वाली चीजें और जितने भी तुम्हारे धातु वाली चीजें उसे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर दुकान पे ले जाके बेच देते हैं। वो क्या कर देते हैं बताओ, उनकी भी जीविका इसी से चल रही है, कूड़ा उड़ा बटोर के आराम से क्या करेंगे, गत्ता वत्ता जो रहेगा वो सब क्या करें, नाली मत फेंके, साइड में फेंक दी, जो आएगा कूड़ा वाला उठा ले जाएगा, उसकी भी जीविका चल जाएगी, तो वो पुनः चक्रण हो जाएगा। ठीक है, पुनः प्रयोजन मतलब क्या कर देना है, पुनः प्रयोजन में ठीक, प्रयोजन से हमारा तात्पर्य यह है कि एक वस्तु जो किसी विशेष उपयोग के लिए बनाई गई है उसका उस उपयोग के उस रूप में उपयोग करने के बाद एक स्थिति आ जाती है जिसका उपयोग अन्य कार्यों में लिया जा सकता है। जैसे फटे पुराने ऊनी कपड़े का गद्दा बना देना, दरी बना देना। ठीक, अब ये समय बहुत हमारे गाँव में देखिए बहुत बढ़िया टेक्निक आया है। ठीक, वो गाँव में बहुत गाँव में आपके गाँव में भी आया होगा। ठीक है, जैसे एक क्या कर इतना वो ट्रैक्टर पे लगा इंजन लेके आते हैं, उसमें जितना भी फटा पुराना कपड़ा रहेगा उससे रुई बना देंगे। रुई से क्या कर देंगे, 50 रुपए किलो लेते हैं, उस रूप से दरी गद्दा उद्दा सब सी के बनिया बना के दे देते हैं। वो बताओ रिसाइकल बहुत वीआईपी कर रहे हैं वो। ठीक है, देखो गत्ते से डिब्बे से, गत्ते के डिब्बे से क्या हो, गांव में देखेंगे लड़की डिजाइन बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं, वो सब डिजाइन उजाइन बना देते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको डिजाइन बना देना है। ठीक है, जैसे ये देखो टीना आता है ना जिसमें तेल आता है, टीना वाला ऐसे उल्टा करके, कितने लोग देखें, एक बार हम गए थे किसी, ठीक है, छोटे से ही गांव में। ठीक है, अब वहां पर, ठीक है, अब तुम सोचो वहां पर ऐसे वीआईपी जो वो तुम्हारे पास टीना है ना, टीना के ऊपर क्या कर दिए, ऐसे कपड़ा बढ़िया से लपेट दिए, एकदम से वीआईपी वो सिल्क वाला कपड़ा आता है वो लपेट दिया, और यहां पर क्या कर दिया, ऐसे बैठने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, ऐसे वीआईपी बना दिया था, मतलब यहां पर फोम लगा दिया था, देखने में पता नहीं चला था वीआईपी टेबल बना दिया, कहे यार सलूट है, ऐसे गजब गजब इंसान है, एकदम से वीआईपी बना दिया था, कहे गजब। ठीक, तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, जिन्हें पुनः प्रयोजन कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में तुम्हारा दे रखा इनकार यानी रिफ्यूज, मतलब इनकार कर देना। क्या चीज इनकार करोगे, लिखा हमें उन पदार्थों को खरीदने से इनकार करिए जिनकी आवश्यकता हमें नहीं है। कितने लोग होते हैं लाख भर लेंगे कमरा में, ठीक है, और बताओ उसकी उपयोग नहीं तब वो लाख भर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा प्लीज आप मत करिएगा। ठीक है, जो हमारे परिवार और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो उसे आप प्लीज खरीदिए ना। जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, यदि हो सके तो प्लास्टिक का थैला ले जाइए। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहां पर कप है, जो कप होता है, ठीक है, कप एक बार स्टील का खरीदो कई साल चलेगा। ठीक है, मगर दिखावटी के लिए क्या होता है प्लास्टिक का, अब तो प्लास्टिक का सेट आता है शादी उदी में, वो सब लिख देंगे भाई शादी में ले लीजिए। ठीक है, मतलब हमसे डिब्बा ऐसे आता है उसमें क्या कर देता, प्लेट कप चम्मच वगैरह सब प्लास्टिक का रहेगा, अरे भाई स्टील का दे दो। ठीक है, अब देखो क्या करें, मगर देते हैं आदमी प्लेट हो जाएगा, थोड़ा देखने में भी लसो लगता है। ठीक है, क्योंकि आजकल की दुनिया यानी दिखाने में क्या हो गई ज्यादा है। ठीक है, अभी देखिए जब से वीआईपी है, ठीक है, अब देखिए वो एक जींस चला वो फटाफटा वाला, ठीक है, मतलब दिखावट है गजब। ठीक है, तो अपनी अपनी मनसा है, पहन सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए हमने 5 R का प्रयोग हमने कर दिया। यदि आपको 3 R आएगा तो केवल स्टार्टिंग वाला 3 R, 5 R में से कोई 3 R लिख देना। यदि 4 R आएगा, ठीक है, तो उसमें लिख देना, RRR मूवी मत लिख देना जी, RRR ऐसे आएगा तो लिख देना वो मूवी पूरी कहानी 3 घंटा वाली, वो नहीं करना। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। ठीक, तो ये था आपका प्यारा सा वीडियो इसके बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इन सब पे आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।